हरदोई की कोतवाली बेनीगंज इलाके में गाय से बचने के चक्कर में एक बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। दोनों लोग एक मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे। कोतवाली बेनीगंज में हरदोई सीतापुर मार्ग पर बधा गांव के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि बाइक सड़क पर गाय के आ जाने के कारण उससे बचने के चक्कर में अनियंत्रित हो गई थी। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे में मृत दोनों युवकों की पहचान मुलायम, उम्र 25 वर्ष, पुत्र कल्लू, निवासी नया गांव देवरिया, व सुरजीत यादव, उम्र 18 वर्ष, पुत्र गोकड़, निवासी चदवापुरवा, थाना पिसावा, जिला सीतापुर के रूप में हुई है। दोनों थाना टडियावा क्षेत्र के जय राजपुर मजरा करणपुर निवासी हंसराज के यहाँ मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे। ये दोनों लोग नया गांव देवरिया को जाने को कहकर गए थे। दोनों की मौत की खबर पाकर दोनों जगह खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये गया था अपनी बहन के यहाँ, वहाँ बहन के बच्चे का मुंडन था, मुंडन दावत में गया था। उसके बाद में समय हो गया चलने का, तो ये सोचकर उधर से निकल गया था उधर, क्या नाम इसका, प्रतापनगर चौराहा साइड में, और उधर से फिर वापस आ रहा था। आते वक्त इसे मतलब पेड़ में टक्कर बताई है 100 नंबर वालों ने, वही यहाँ पर इसको भेजे हैं, और हम लोग जब आए तो ये एक कितने लोग मौत हुई, कितने लोग घायल हुए थे उसमें? दो लोग केवल थे बाइक पर, दोनों लोगों की मौत हो गई। एक लोगों मतलब यहाँ तक आए थे, लेकिन वो भी रस्ते लखनऊ रिफर कर दिया गया, वहाँ भी उसकी डेथ हो गई। भदहा जगह है, वहाँ के पास तिलक समारोह से दो लड़के मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, और 9:30 बजे के रात में उनका गाय आ जाने से उसको टक्कर हो गई है, उससे डिसबैलेंस होकर पेड़ से जाकर टकरा गई। एक लड़के की मौत मौके पे ही हो गई, दूसरा हॉस्पिटल ले जाते समय में डेथ हुई है, दोनों की मृत्यु हुई। इसमें पंचायत नामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।